अल्लाहम टू एवरी उम्मीद एक अब सब खैर वाफियत के साथ होंगे फर्स्ट ऑफ आल स्टूडेंट्स वार्मली वेलकम टू आल ऑफ योर ऑन आवर जेफ़ अकेडमी प्लेटफॉर्म डियर स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर नंबर फाइव बायोलॉजी का लेक्चर है जिसमें हम एक ऐसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में गुजरने वाली आपकी लाइफ के साथ साथ पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया है जी हाँ तो आज हम डिस्कस करेंगे वराइटी ऑफ लाइफ मीन वायरसेज हाल ही में पाया जाने वाला एक वायरस कोविड उसने पूरे ग्लोब के अंदर तबाही मचाई है और उससे काफी ज्यादा जो हमारे सिस्टम्स थे वो असरअंदाज हुए हैं अगर हम बात करें अपने कैलेंडर की वो इससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है मीन लास्ट ईयर का लास्ट ईयर में एग्जाम्स का ना होना दिस ईयर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम होना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पी का जो एन कैट 2021 उसका ऑनलाइन होना इस साल तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने, ने इस कोविड की वजह से लिए तो आज के इस लेक्चर में हम इस वायरसेस के बारे में इन वायरसेस के बारे में कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे स्टडी करेंगे इनके इम्पोर्टेंट जो concepts, जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि इन सब चीजों को सीखने के लिए पढ़ने के लिए याद करने के लिए इस लेक्चर में एंड uh, तक कनेक्टेड रहिएगा और इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट हमारे जेफ एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं होपफुली वन डे दे विल बी अ डॉक्टर तो इसके इनके अलावा अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरे मैं वाइट लैब कोट पहनों और मेरे गले में भी स्टेथोस्कोप हो तो उसके लिए बच्चों आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी और एफर्ट के साथ साथ आप ये मत समझें कि हम लक एंड इंटेलिजेंस की बेस पे कामयाब हो जाएंगे नहीं इसमें आपको देखिए जेफ एकेडमी आपसे किसी किस्म की कोई फी की डिमांड या उसके अलावा अदर डिमांड नहीं करेगी और ना ही करती है हम जस्ट आपको गाइड करते हैं हम जस्ट आपको मोटिवेट करते हैं हम जस्ट आपको एक हमने आपको एक राह दिखानी है तो बहुत से स्टूडेंट जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं इनशाला होपफुली uh, अगर वो हमारे सेशन को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं तो वो जो है वो कामयाब होंगे तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चीजें हैं अगर लाइक ऑन द टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन आपको एक लोगो नजर आ रहा होगा जेफ एकेडमी का जिसमें तीन वर्ड्स मेंशन है फर्स्ट कमिटमेंट सेकंड कंसिस्टेंसी एंड थर्ड कम्पिटेंसी अगर आप फर्स्ट टू वर्ड्स इनको अगर आप फॉलो करते हैं देन इन फ्यूचर आपके फ्यूचर के अंदर हमेशा कंपिटेंसी होगी आप कंपीट करेंगे बशत यह कमिटमेंट आनी चाहिए और आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर लर्निंग स्पेस जो है वो बिल्कुल नहीं होती वो लास्ट टाइम जिस तरीके से मैं देख रहा हूं हमारे ग्रुप्स हैं या बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं लिंक के साथ किसी ग्रुप को ज्वाइन किया या लिंक के जरिए किसी लेक्चर को ज्वाइन किया वो जाते हैं वहां पे पाँच सात सेकंड के लिए कुछ मिनट्स के लिए रुके उसको देखा उसको ऑब्जर्व किया और उसके बाद फौरन क्या कर जाते हैं लीव कर जाते हैं तो ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सक्सेस के लिए कामयाब होने के लिए पॉइंट कर रहे हैं वो शॉर्टकट चाहते हैं कि हम इस लिंक को क्लिक करें और आगे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ओपन हो या हमारा लेक्चर ओपन हो और वहां पे हमें जी टू टेन क्वेश्चन ट्वेंटी, ट्वेंटी वन लिखा हुआ। वो दो दस हमें दिखाई दें उनको हम पढ़ें और फौरन हम क्या करें जी उनको याद करके क्लिक करके हम एनएमडी कैट सेशन जो है उसको क्या कर दें क्लियर कर दें नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता आपको कामयाबी के लिए किसी ना किसी चीज के साथ अटैच रहना पड़ता है तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहूंगा जो हमारे जेफ के साथ अटैच हैं, है होपफुली, होपफुली वो क्लैरिफाई करेंगे बस है कि यह हमेशा आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपने चीजों को छोड़ना नहीं है अपनी रूटीन को नहीं खराब करना टाइमिंग का आपने ख्याल रखना है तो इन सब चीजों को आपने जहन में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि आपको जो लेक्चर है देखिए पीएमसी इज मच मोर डिफरेंट देन यूएचएस यूएचएस में जस्ट आपको पी पंजाब टेक्सट बुक को फॉलो करना पड़ता था लेकिन पीएमसी के अंडर आपको फोर प्रोविंस की बुक्स और इसके साथ साथ मोर इम्पॉर्टेंट फेडरल तो हम क्या करते हैं हम अपने लेक्चर में तमाम वो कंसेप्ट तमाम वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी पी के अंदर मैंशन नहीं है हम उनको वहां पर क्या करते हैं जी इधर उधर से इकट्ठा करके यहाँ पे डाल देते हैं ताकि आपको उस, उसको पढ़ने में आसानी हो तो बहुत सारी चीजें हैं इन शॉर्ट आपको अगर आप चाहते हैं कि आप भी डॉक्टर बने तो उसके लिए जो आप अपने अंदर कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी क्रिएट करें आप चीजों को साथ लेके चलने की आदत पैदा करें उनको शॉर्ट टाइम के लिए ज्वाइन करके दोबारा क्विट करने वाली जो एक ये चीप बिहेवियर होता है कि बाकी स्टूडेंट को भी क्या करता है डिस्टर्ब करता है तो इस चीज से आपने अवॉइड करना है टाइम बहुत शॉर्ट है आपने इन सब जो जो, जो शेड्यूल है इसको आपने फॉलो करना है इन शाह आप इनशाला आप जो है वो सक्सेसफुल होंगे नेक्स्ट जो आपका फाइनल टेस्ट होगा तो स्टार्ट करते हैं जी आज आज हमारे अपने जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये हमारे जो एफ की बुक फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर सिक्स है बायोडाइवर्सिटी के नाम से इसने पीएमसी ने इसकी आउटलाइन दी है जो इसको टाइटल दिया है जिसमें ए सेलुलर लाइफ वैरायटी ऑफ लाइफ और इस वैरायटी ऑफ लाइफ में हमने कौन सा पोर्शन डिस्कस करना है वायरस का पोर्शन डिस्कस करना है तो काफी स्टूडेंट ने जी हमें ज्वाइन कर लिया है मोस्टली स्टूडेंट ने और कुछ कर भी रही है तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर और इस लेक्चर में बहुत से ऐसे टूडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं और बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे जिनके आपने नीचे आंसर देने हैं और अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन होगा तो आपने नीचे चैट बॉक्स में लाजमी जो है वो उसको मैंशन करना है आफ्टर द लेक्चर मैं उनको नोट करके नेक्स्ट होने वाले लेक्चर में आपको जरूर जो है वो उसका क्या करूंगा आंसर करूंगा या उसके अलावा हम ग्रुप में भी उनको क्या कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं तो आपने जो है वो इसमें कंसंट्रेशन अपनी फुल करनी है इस लेक्चर के दौरान तो वायरसेज हैं अगर हम बात करें आउटलाइंस की कि इस लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन सी आउटलाइंस को डिस्कस करना है जो कि हमें पीएमसी के सिलेबस के अंदर दी गई हैं उसमें लास्ट टाइम जो आउटलाइंस थी और इस साल की जो आउटलाइंस हैं उनके अंदर लिटिल बिट चेंज है कि लास्ट टाइम जो था उसमें जो साइकिल्स थे बैक्टेरियो फेज साइकिल्स वो इस दफा उन्होंने क्या कर दिए हैं क्विट कर दिए हैं और जो डिजीजेज हैं उनको थोड़ा इंक्रीज कर दिया है तो ओवरऑल जो है इसका वेटेज वो क्या है जी इक्वल है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के कैसे डिस्कवर हुए स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस वायरसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड वायरल डिजीज फॉर एग्जांपल एड्स उसमें एड्स है लेकिन हम एहतियातन जो है उसमें बाकी जो डिजीजेस हैं उनको भी जो है वो डिस्कस करेंगे उनको भी उनका भी ओवरव्यू लेंगे तो स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर वायरसेस वायरसेस क्या होते हैं जी हमने हमें पता है कि वायरसेस पैरासाइट्स हैं ये ऐसे माइक्रो आर्गेनिज्म हैं जो हमारे अंदर क्या पैदा करते हैं जी क्या करते हैं जी डिजीज काज करते हैं तो इनको हम कहते हैं जी ओब्लीगेट इंट्रासेलर पैरासाइट्स दो किस्म के पैरासाइट्स होते हैं ओब्लीगेट एंड कैलिटेटिव कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट के बगैर अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते या बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते उस किस्म के पैरासाइट्स को हम कहते हैं जी ओब्लिगेट पैरासाइट्स तो ये वायरसेस भी ओब्लीगेट इंट्रासेलर पैरासाइट्स हैं ओनली डिमोस्ट्रेट करेक्टरिस्टिकाइफ वाइल इन साइड सेल ये अपने आप को उस वक्त लिविंग शो करेंगे जब ये किसके अंदर होंगे होस्ट सेल के अंदर होंगे क्योंकि उसकी जो मशीनरी है उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करते हुए ये अपने अंदर के क्या करेंगे जी लिविंग करेक्टर को शो करेंगे होस्ट कौन सा हो सकता है बैक्टीरिया होस्ट हो सकता है किसी बैक्टीरिया के अंदर पाए जा सकते हैं एनिमल के अंदर पाए जा सकते हैं प्लांट के अंदर पाए जा सकते हैं तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये हो सकता है कि वायरसेज आर ऑब्लीगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स कैलिटेटिव इंट्रा सेलुलर पैरासाइट ऑब्लीगेट एक्स्ट्रा सेलोलर एंडिटेटिव एक एक्स्ट्रा सेलुलर तो इस पॉइंट को आपने जो है क्या करना है जी माइंड में रखना है नेक्स्ट इनको अगर हम डिफाइन करें viruses, RNA, या तो उसके अंदर डी एन ए हो सकता है या आर एन ए सकता है उसकी क्लासिफिकेशन भी हम इस बेस पे करते हैं कि हैं या डी एन ए दैट इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन प्रोटीन जो कि के, के जरिए प्रोटेक्टेड होता है उस प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं कैप्सिड कहते हैं ये हमारे पास एक जर्नल स्ट्रक्चर है एक वायरस का जिसमें ये सेंटर में उसका जेनेटिक मटीरियल जो कि डी एन ए हो सकता है या आर एन ए हो सकता है और उसके बाहर क्या है जी प्रोटीन कोट तो ये इस इस किस्म के जो पार्टिकल्स इस किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहते हैं जी वायरस कहते हैं अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये इसको ये हमारे उस सिलेबस में शामिल तो नहीं है जस्ट हम इनका ओवरव्यू करते हैं कि वायरस इज वेरी स्मॉल इन्फेक्शियस ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट इन्फेक्शियस मीन डिजीज काजिंग ये डिजीज काज करते हैं ये बीमारियां फैलाते हैं इन होस्ट uh, के अंदर वायरस पार्टिकल आर नॉट लिविंग या लिविंग नहीं होते लिविंग उस वक्त होते हैं जब ये किसके अंदर होते हैं होस्ट के अंदर होते हैं वायरसेस आर केमिकल ये बेसिकली केमिकल्स हैं क्रिस्टल्स हैं ये मालिक्यूल हैं एंड बाय सेल्फ कैन नॉट प्रोड्यूस और अपने आप को अलग से ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अपनी तादाद इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज दे लैक मेटाबोलिक मशीनरी इनके अंदर मेटाबोलिक मशीनरी नहीं है बेसिकली मेटाबॉलिक मशीनरी के अंदर क्या होता है ये आपने याद रखना है इसमें दो प्रोटोप्लाज्म नहीं है प्रोटोप्लाज्म हम कह सकते हैं कि इनके पास साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स दीज दीज आर एब्सेंट इन द वायरसेस जिसकी वजह से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते असस्पेक्टेबल एंड परमिसिव सेलुलर होस्ट नीडेड फॉर द वायरसेस टू रिप्रोड्यूस इनके करने के लिए एक होस्ट चाहिए। एक चाहिए किस्म किस्म का का जरूरी होता है. All must make messenger RNA. तो ये messenger RNA बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर डी होता है या आर एन होते हैं इनका जो न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड है वो तो प्रेजेंट है अब उनको मैसेंजर आरएनए बनाएंगे मैसेंजर आरएनए आगे क्या करेगा ट्रांसलेशन लेकिन like ट्रांसलेशन के लिए क्या चाहिए जी राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने के लिए वो राइबोसोम्स किसके यूज करते हैं होस्ट के तो ये कुछ इसकी कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं इसकी प्रॉपर्टीज हैं वायरसेस की नॉलेज ऑफ डिस्कवरी है जी डिस्कवरी में हमने देखना है कि ये जो वायरसेज हैं ये कैसे डिस्कवर हुए और इसकी डिस्कवरी में किस साइंटिस्ट का क्या रोल है तो अगर फर्स्ट बात करें कि माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच जिसको हम वायरोलॉजी कहते हैं वो वायरोलॉजी के अंदर हम किस चीज को पढ़ते हैं जी वो वायरसेस को द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी वायरोलॉजी के अंदर वायरसेस को पढ़ा जाता है और वायरस ये लेटिन वर्ड विनोम उस, उससे ड्राइव्ड है और इस वीनोम का क्या मतलब है जी पॉइजनस फ्लूविड एक जहरीला जो लिक्विड है और उसी से विनोम से ये वर्ड क्या निकला है जी वायरस अगर हम इसकी डिस्कवरी ऑफ वायरस को देखें तो डिस्कवरी ऑफ वायरस में हम बात करते हैं जी इसके बहुत ही अबाउट अचुरी अगो एक सदी पहले की बात करें तो उस वक्त ये कुछ साइंटिस्ट थे अर्ली पीरियड के लोएस पास्टर के दौर की बात करें या रॉबर्ट कोच इन दोनों के एजेस के दौरान जो साइंटिस्ट थे या ये पास्टर और रॉबर्ट कोच ये उस वक्त वायरस को क्या समझा जाता था पॉइजन समझा जाता था कब लोस पास्र एंड रॉबर्ट कोच एजेस पीरियड जब जब जिस दौरान ये साइंटिस्ट जो हुआ करते थे उस वक्त वायरस को एक पॉइजन समझा जाता था और उसके अलावा बाकी कुछ साइंटिस्ट हैं जो इनके कोलिगस होंगे वो भी इन सब सा, वो सारे साइंटिस्ट इसको क्या समझते थे पॉइजन समझते थे तो इसमें कुछ और साइंटिस्ट हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल है उसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं लाइक वर्क ऑफ एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर ने वर्क किया इस वायरस के ऊपर 1796 में इनका मेन जो मोटो था इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था जी एफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स से कैसे बचा जा सकता है ये एक वायरल डिजीज है इस वायरल डिजीज के खिलाफ इन्होंने प्रिवेंशन डिस्कवर की और इस प्रिवेंशन को डिस्कवर करने के लिए इन्होंने कुछ जो स्टेप्स लिए वो कौन कौन से थे फर्स्ट वन एक जो है वो कॉपाक्स देखें जी इसमें कॉ एक डिजीज होती है जो कि कैटल्स के अंदर uh, कॉक को होती है और जो मिल्क मेड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं जी इन जानवरों का जब दूध निकालते हैं तो अपने हैंड्स को टच करते हैं उस कॉक की बॉडी के साथ तो उन कॉक के जो पैथोजन uh, होते हैं कॉ के जो कॉ क्रिएट करते हैं वो किसके साथ अटैच हो जाते हैं जी उस मिल्क मेड पर्सन के हैंड के साथ अटैच हो जाएंगे और उस मिल्क uh, मेड के जो सपोज uh, uh, की ये इन्फेक्टेड कॉ है और इसको एक मिल्क मेड जो है वो क्या करता है जी इससे मिल्क निकालता है तो उसके हाथ के साथ वो जो क्या कहते हैं जी कोपाक्स के पैथोजन वो अटैच हो जाएंगे अब उस मिल्क मेड जो दूध निकालने वाला है ग्वाला ग्वालन उसके हाथ के ऊपर क्या बन जाएंगे जी छोटे छोटे लेय बन जाएंगे दाने बन जाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे कॉपाक्स ये कॉपाक्स के लेय हैं अब इसने क्या किया एडवर्ड जेनर ने इसने एक मिल्क मेड को यूज किया उस मिल्क मेड के जो स्किन के ऊपर जो हैंड के ऊपर लियंस बने हुए थे वहां से उसने क्या निकाला जी मटेरियल निकाला वहां से उसने पस लिया वहां से उसने लिक्विड लिया और उस लिक्विड को उसने इंजेक्ट किया इन एट ईयर बॉय एक साल लड़के के अंदर जिसका नाम था जी जेम्स फिप्स आठ साल लड़के के अंदर उसको इंजेक्ट किया उस लिक्विड को वो लिक्विड कहां से लिया गया लिया गया था जी उस ग्वाले के हाथों के ऊपर जो कॉपा के दाने थे वहां से निकाला गया और उस लड़के के अंदर इंजेक्ट करने के बाद कितना देर सिक्स वीक्स उसका रेस्ट लिया गया छ हफ्तों तक उसको कुछ ना कहा गया उसको नहीं छेड़ा उसने उसके बाद उसने एक जो स्मॉल पॉक्स है उस पॉक्स के पस में से जो एक्टिव एक्टिव जर्म हम कह सकते हैं कि एक्टिव पैथोजन उनको इंजेक्ट करवाया अगेन किसके अंदर उस बॉय के अंदर जिसको छे हफ्ते पहले क्या किया गया था उसके अंदर पॉक्स के को इंजेक्ट किया गया था तो उसके बाद उस बॉय को उसके अंदर किसी किस्म की स्मॉल पॉक्स की सिम्टम्स अपेयर ना हुई तो इससे उसने क्या अखज किया इसने उससे इस क्या ड्राइव किया कि ये जो कॉपाक्स कौ, है ये हम एज अ क्या कह सकते हैं कि प्रिवेंशन यूज कर सकते हैं किसके खिलाफ स्मॉल पॉक्स के, के खिलाफ तो इस तरीके से उसने जो है वो ट्वेंटी थ्री परसेंट जो है उनको क्या किया जी वैक्सीनेटेड किया उनके अंदर भी ये कॉपॉक्स के जो इन्फेक्टेड uh, जो मटेरियल था जो लिक्विड था इंजेक्ट किया ट्वेंटी थ्री परसेंट के अंदर और बाद में जब उनके अंदर स्मॉल पॉक्स के पैथोजन एंटर हुए लेकिन उन उन लोगों को किसी उनके अंदर किसी किस्म के सिम्टम्स अपेयर नहीं हुए इट मीन के उसने इन सबको क्या किया जी प्रिवेंट किया उस स्मॉल पॉक्स से इसमें हम अगर बात करें क्योंकि उसने जो मटेरियल है वो कहाँ से यूज किया है जी कौ से जिसको में कॉ को क्या कहते हैं जी वाका कहते हैं और इसने जो केमिकल यूज किया जो कि वायरल डिजीज से हमें प्रिवेंट करता है उसको एडवर्ड जेनर ने क्या नाम दिया वैक्सीन का और इस इस वैक्सीन को यूज करने का जो मेथड है वो बाद में एक और साइंटिस्ट है जिसको हम कहते हैं लोएस पास्चर उसने जो है वो नेम्ड किया और उसका नाम रखा जी वैक्सीनेशन वैक्सीन को करने का जो मेथड है उसको क्या नाम दिया गया वैक्सीनेशन इस तरीके से आपने एमसीक्यूज के अंदर डिफरेंस आपने याद रखना है कि किसने डिस्कवर की? ने. वर्क ऑफ इसने भी वायरस के ऊपर इसने भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वर्क किया और इनका वर्क किया था जी डिस्कवर्ड द एजेंट विच डिजीज फ़िल्टरेबल। देखिए मां उस दौर में एक डिजीज थी टबेको मुजैक डिजीज जो तम्बाकू के पत्ते थे वो क्या हो जाते थे मुर जाते थे लेकिन उससे पहले जो जाने वाले पैथोजन थे वो बैक्टीरिया थे लेकिन लेवनास्की को इतना पता था कि ये जो डिजीज है ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती उस उसको कन्फर्म करने के लिए कि आया कि ये जो डिजीज है जिसमें तंबाकू के पत्ते मुरझा जाते हैं ये बैक्टीरिया की वजह से होती है या इसके अलावा कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने एक, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया एक ऐसे लीव को लिया एक जो कि इफेक्टेड था इस टोबैको मोज़ेक डिजीज से और उस लीव को उसने क्या किया जी क्रश किया उसको जो मॉर्टर एंड पेस्टल में और उसका एक जो मतलब मिक्सचर बनाया और उस मिक्सचर को उसने क्या किया जी फिल्टर किया पोर्सलिन से गुजारा उस पोर्सलिन फिल्टर पेपर से जब उस लिक्व को गुजारा गया क्योंकि बैक्टीरिया का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो उस फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते अब उसने ये ऐसा सॉल्यूशन था ऐसा मिक्सचर था जो कि इफेक्टेड टोबैको के लीव से लिया गया था इसके अंदर वो पैथोजन शामिल थे जो क्या करते थे जी आगे डिजीज काज करते थे उसने कहा कि अगर इसको जब फिल्टर किया जो बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे कहाँ रह गए जी इस पोर्सलिन के अंदर और जो नीचे फिल्ट्रेट बचा उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया शामिल नहीं था अब उसने क्या किया जो नीचे वाला फिल्ट्रेट है इसको उसने जो है वो यूज किया जो हेल्दी लीव्स थे टोबैको के उनके ऊपर इसने इस्तेमाल किया लेकिन हेल्दी लीव्स वो क्या हो गए जी वो भी चंद दिनों के बाद इफेक्ट हो गए उस टोबैको मुजैक डिजीज के अंदर तो इससे उस लेनास्की ने ये ड्राइव किया कि इसके अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स हैं कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दैट कैन पास फ्रॉम पोर्सलिन फिल्टर पेपर कि वो इतने बारीक हैं इतने छोटे हैं कि इस फिल्टर पेपर से क्या हो सकते हैं जी पास हो सकते हैं और उनको उसने क्या कहा जी दीज आर वायरसेस और एक स्पेसिफिक वायरस है जिसको हम क्या कहते हैं टोबैको मोजैक वायरस ये ऐसा वायरस है जो टोबैको मोजैक डिजीज काज करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका एक जो प्रॉपर्टी थी वो कैरेक्टरिस्टिक था ये अपने अब्जेक्टिक, अब्जेक्टिक के भी याद रखना है क्या हो सकते हैं जी पास हो सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था कि वायरोलॉजी पार्स को डिस्कस करती है डिस्कवरी में हम बात करें अ सेंचुरी अगो की तो अर्ली पीरियड में लोएस्ट लोएस्ट पासर या रॉबर्ट कोच उस वक्त वायरस को क्या समझा जाता था एक पॉइजन है जो जो कि डिजीज काज करती है या उसके अलावा एक किस्म की डेथ काज कर सकती है लेकिन आजकल जो इसका कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है और उसके बाद पास्टर ने जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है उसको डिस्कवर किया एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डिस्कवर की लेवनास्की का और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट चार्लेस चैम्बरलैंड उन्होंने कहा कि कुछ फिल्टर एबर एजेंट हैं जो कि रेबीज काज करते हैं उनको उसने नाम दिया वायरसेस का और इसके साथ साथ ने 1935 में टोबैको वायरस डिस्कवर किया जो कि कौन सा था टोबैको डिजीज और इसके अलावा नेक्स्ट फिर स्टेनले ने उनको क्रिस्टलाइज किया उन टोबैको मुजैक वायरसेस को क्रिस्टलाइज उनको क्रिस्टल फॉर्म के अंदर क्या किया जी डिस्कवर किया और एट द एंड दो और साइंटिस्ट थे टॉर्ट एंड डी हेले

जस्ट रीड कर सकते हैं नॉलेज ऑफ डिस्कवरी में कि कौन कौन से बायोलॉजिस्ट का कौन कौन से माइक्रो बायोलॉजिस्ट का वायरस की डिस्कवरी में क्या रोल रहा है वायरोलॉजी की रिसर्च के अंदर उनका क्या रोल है नेक्स्ट बात करें अगर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हमने वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है इसमें हमारे पास वायरस के दो मेन कंपोनेंट हैं दो मेन पार्ट हैं हम उसके स्ट्रक्चर के बना लेते हैं जिसमें फर्स्ट मन हमारे पास एक हम इसमें हमारे साथ एक वायरस की एक डायग्राम है इसके मुताबिक हम इसको डिवाइड करेंगे देर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ वायरस फर्स्ट वन इज जेनोम जो जेनोम होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड कोर पर मुश्तम होता है उसपे कंप्राइज होता है सेकेंड वन कैप्सिड जो कि प्रोटीन कोर्ट होता है जो इसका आउटर कोर्ट है ये प्रोटीन कोट इसको क्या कहते हैं कैप्सिड और जिसके इनर कोर के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि डीएनए हो सकता है या आर एन ए हो सकता है बाज बैक्टीरिया डी एन ए होते हैं बास बैक्टीरिया आर एन ए होते हैं और वो आगे सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे तो इस तरीके से इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं जो आउटर होता है उसका कैप्सिड होता है जो इनर होता है उसका क्या होता है जी कोर कैप्सिड किसका बना होता है प्रोटीन कोट का और जो इनर होता है कोर वो जीनोम उसको कहते हैं वो न्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए और आरएनए पर हो सकता है डीएनए एंड आरएनए These are और इनकी जो वायरस की इनफेक्शियस अबेलिटी है वो किसकी वजह से होती, है? की होती है. इनका जो है, है कि कौन सा किस की डिजीज काज कर सकता है उसकी विरुलेंसी कितनी है या कितनी हो सकती है ये किस पर डिपेंड करती है उसका इनर जो चीनोम और इसके इसके अलावा जो इसका कैप्सिड है आउटर प्रोटीन को जो है वो उसके समालस यूनिट होते हैं छोटे छोटे उसके सब यूनिट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं कैप्सोमर और ये किस किसके होते हैं जी अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड सब यूनिट्स हैं प्रोटीन के और प्रोटीन कोट वो क्या बनाती है कैप्सिड तो कैप्सिड के समाल जो सब यूनिट होंगे वो किसके बने हुए होंगे अमाइनो एसिड से तो इनमें हमारे पास जो हरपीज वायरस है उसके अंदर कैप्सुमर की तादाद वन और इसके अलावा जो एडिनो वायरस है जो कि एक फ्लू कास करता है ह्यूमन के अंदर उसकी कितने हैं जी टू फिफ्टी टू तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये आपकी जो नेशनल बुक है या फेडरल बुक है या आपकी पीटीबी बुक है उन तीनों के अंदर ये सेम एग्जाम्पल यही कोट की गई है कि हर्पीज वायरस एंड एडिनो वायरस तो आपने इसमें स्ट्रक्चर में दो चीजें याद रख लें कि आउटर कैप्सिड प्रोटीन एंड इनर जो है वो जीनोम एक और बात क्या इनर जो जीनोम है सिर्फ जिनोम ही होगा या इसके अंदर और भी कोई चीज होगी मेन के क्या इसके अंदर प्रोटीन हो सकती है या और कोई चीज इस जीनोम में डीएनए या आरएनए या जो न्यूक्स है इसके अलावा कोई और चीज हो इस चीज को आपने माइंड में रखना नेक्स्ट टाइम एक और स्लाइड डिस्कस करेंगे वहां पे आपको मैं ये पॉइंट आउट करूंगा कि इस जीनोम के साथ प्रोटीन भी हो सकती हैं लाइक like हमारे पास अगर रेट्रोवायरस है रेट्रोवायरस के अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक enzyme है enzyme क्या होते हैं जी प्रोटीन होते हैं प्रोटीन इन नेचर वो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसक्रिप्टिज पाया जाता है इस प्रोटीन इस लिहाज से कोर के अंदर न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ कुछ प्रोटीन भी होती हैं जो कि विच एक्ट एज विच में भी फंक्शनल प्रोटीन जो कि फंक्शनल होती हैं एक्ट एज अ एंजाइम जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होती हैं उसको हम क्या कहते हैं आउटर होती हैं और वो कैप्सिड कहलाती हैं है और उसके यूनिट क्या होती है कैप्सोम देखिए हमारे पास ये एक जीनोम है उसका सेंटर जो कि डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है और इसके साथ अगर हम अटैच करेंगे कैप्सिड जो उसका आउटर पार्ट है कैप्सिड प्रोटीन तो ये मिलकर क्या बनाएगा एक न्यूक्लियो कैप्सिड ये एक हमारे पास कंप्लीट वायरस बनेगा अब अब अगर न्यूक्लियो न्यूक्लियो कैप्सिड जो है इसको हम सिंपल क्या कहते हैं नेकेड कैप्सिड वायरस क्योंकि ये नेकेड है इसके ऊपर और कोई किसी किस्म की कवरिंग नहीं है लेकिन जब नेकेड कैप्सिड जो वायरसेस हैं इनके ऊपर बाज दफा होस्ट की तरफ से दी गई जो लिपिड मेम्ब्रेन की लेयर हो सकती है या ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर हो सकती है जब वो इस नेकेड वायरसेस के ऊपर आती है तो तब ये क्या बन जाते हैं जी इनवेल वायरसेस ये देखें ये हमारे पास नेकेड वायरसेस था इनके ऊपर एक कवरिंग आई एक मेम्ब्रेन आ गई वो लिपिड की हो सकती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की हो सकती है तब उन वायरसेस को क्या कहेंगे एनवेलप्ड वायरसेस तो अब हमारे पास दो किस्म के वायरसेस हो गए स्ट्रक्चर के लिहाज से फर्स्ट नॉन एनवेलप्ड वायरसेस जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है सेंटर में और आउटर क्या होते हैं जी कैप्सिड लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म की कोई मेमब्रेन प्रेजेंट नहीं होती उनको कहते हैं जी नॉन एनवेलप्ड और जो कि जिनके अंदर कैप्सिड है और कैप्सिड के अंदर क्या जी? है जी न्यूक्लिक एसिड है और इसके अलावा उनके बाहर एक क्या होते है जी एनवेलप होता है प्रोटीन इन एनवेलप मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन लगी होती है जो कि लिपिड्स की हो सकती है ग्लाइको प्रोटीन की हो सकती है इस प्रोटीन की लेयर की वजह से इस मेम्ब्रेन की वजह से उनको हम क्या कहते हैं एनवेलप्ड वायरसेस तो बहुत से वायरसेस जो है वो नॉन एनवेलप्ड हैं और बहुत से ऐसे वायरसेस भी हैं जो कि क्या होते हैं जी एनवेलप्ड उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है अगर हम कैप्सिड की की बात करें कि जो कैप्सिड होता है प्रोटीन कोट होता है उस वायरसेस का आउटर जो पार्ट होता है उसकी दो तरह की हो सकती है एक्सोहेड्रल हो सकती है एंड हेलिकल हो इस तरह की जो अगर उसकी होगी उसमें उसके कितने फेसेज होंगे भी हो सकता है कैप्सिड तो ये बैक्टीरिया है बैक्टीरियोफेज जो एक वायरसेस है वो ये दोनों किस्म की सिमेट्री जो है उसको शो करता है अगर हम इसकी मार्फोलॉजी की बात करें वायरसेज की कि मार्फोलॉजी में आ, मजीद अगर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें हमारे पास बैक्टेरियो फेज है बैक्टेरियो फेज में देखें जी आ, इसमें दो इसके मे, मे, मेजर पार्ट होते हैं फर्स्ट वन पहले तो बात करते हैं जी इसका ये कैप्सड की आउटर प्रोटीन कोट है और इस प्रोटीन कोट के अंदर क्या है जी न्यूक्लिक एसिड जिसको हम जीनोम कहते हैं जो कि डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है इसको भी हम देख लेते हैं ये बैक्टेरियो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस किस्म का होता है जी डी एन ए इसके अंदर डी प्रेजेंट होगा एंड पोलीहाइड्रल टेल और इसके नीचे क्या होती है जी टेल इसके दो पार्ट होते हैं फर्स्ट वन कैप्सिड एंड सेकंड जो होता है वो इन नीचे वाला क्या होता है जी इसकी टेल होती है और टेल के अंदर ये एक कॉलर होती है जो कि इसके हेड एंड टेल को क्या करती है अटैच करती है और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा शीट शीत होती है प्रोटीन की लगी होती है एक लेयर्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं शीत और इसमें नीचे जो टेल्स फाइबर है जो लॉन्ग टेल फाइबर हो है उनकी तादाद सिक्स होती है ये आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखना है कि बैक्टेरियो फेज में लॉन्ग टेल फाइबर कितने होते हैं जी देयर आर टोटल सिक्स लॉन्ग टेल फाइबर सिक्स होते हैं जी ऑब्जेक्टिव आ सकती है और माइनर को हम छोड़ देते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज इस का कौन से वाला पार्ट जो है वो ज्यादा कम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर बात करें इसके किसी पार्ट पार्ट की तो कौन सा पार्ट ज्यादा करेंस होगा इसका कैप्सिड देखें सिंपल है है उसमें क्या जी आउटर जो है वो कैप्सिड है और इनर जो है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड है डीएनए लेकिन इसका जो टेल है वो टेल जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर के लिहाज से थोड़ी कंप्लेक्स है तो यहां से एक हम छोटा सा क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि द कैप्सिड ऑफ टी एम बी टोबैको मोजैक वायरस या जिसको हम आ, क्या कहते हैं जी ये टोबैको मुजेक वायरस उसका स्ट्रक्चर कैसा है जी उसमें स्पायरल शेप्ड है जी स्पेरिकल है या रॉड शेप है या याकोस्कड्रल है इसमें रॉड शेप होता है जी टोबैको मुजैक वायरस का जो स्ट्रक्चर है. है ये स्ट्रक्चर के लिहाज से एक पास्ट पेपर में रिपीट होने वाले ये क्वेश्चन है नेक्स्ट कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए ये वायरसेस हैं उनकी स्ट्रक्चर मार्फोलॉजी वैक्सीनिया वायरस ये वैक्सीनिया वायरसेस वो वायरस वो वायरस है जो हमारे जो क्या काज करता है जी कोपाक की डिजीज काज करता है इस तरीके से ये पैराम वायरसेस ये स्पायरल शेप होते हैं हर्पिज वायरस ये क्या होते हैं जीडल और वायरसेस या इसके अलावा इन्फ्लुएंजा है या उसके अलावा पीकोम वायरसेज हैं पोलीमो वायरसेज हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं इनकी अपने स्ट्रक्चर जो है इनको आपने याद रखना है कि किसकी हेलिकल है किसकी स्पेरिकल है और किसकी रासकी इकोसोहैड्रल है तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से कोई भी किसी किस्म की एमसीक्यू जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है नेक्स्ट अगर हम इसका ओवरव्यू लें कि साइज कितना होता है जी इस वायरस इन वायरसेस का वायरसेस के साइज की रेंज 20 नैनोमीटर से 250 फिफ्टी तक होती है और इसमें अगर हम सपोज करें कि हमारे पास एक जो सेल है वो के रूम की तरह क्लासरूम जितना उसका साइज है तो वायरस का साइज कितना होगा सॉफ्ट बॉल छोटी होती होती है तो क्रिकेट होती है सॉफ्ट बॉल उसका साइज वायरस जितना होगा वायरस के इक्वल होगा अगर एक सेल का साइज कितना हो एक रूम के इक्वल तो ये नीचे कुछ चीज का मतलब एटम का कितना साइज होता है सबसे कम प्रोटीन का और उसके बाद वायरसेस का देन बैक्टीरिया क्टेरिया वायरसिससे कुछ बड़े होते हैं फिर सेल्स एनिमल सेल्स जो है वो बैक्टीरिया से भी क्या होता है लिटिल बिल ग्रेटर इन साइज इस साइज की रेंज को भी आप क्या कर सकते हैं जी ओवरव्यू कर सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एम सी क्यू के हवाले से या मैंने एक्स्ट्रा ही ऐड किया आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस तो ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट उसका पार्ट है बहुत से स्टूडेंट जी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको अगेन नए आने वाले स्टूडेंट्स को भी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑन द आवर जेफ एकेडमी प्लेटफॉर्म तो कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम आप टाइम पे इस क्लास को ज्वाइन किया करें ताकि आपके स्टार्टिंग वाले जो हैं वो मिस ना हो तो हम बात कर रहे हैं जी वायरस में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम जिनकी बेस पे वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन को हम जो डील करती है उसको हम Dexonomy कहते हैं हैं फैमिलीज अब अब तक करती हैं की इसमें जो पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं उसमें one, उनका है, या है, उसके अलावा साइज ऑफ वेरियॉन एंड जीनोम वेरियन क्या होता है कंप्लीट इनफेक्शियस जो वायरस है उसको क्या कहते हैं वेरियोन कहते हैं कैप्सूल स्ट्रक्चर की बेस पे कर सकते हैं होस्ट की बेस पे कर सकते हैं एंड रेप्लीकेशन मैकेनिज्म ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम वायरसेस को क्या कर सकते हैं जी क्लासीफाई कर सकते हैं नेक्स्ट फर्स्ट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी मार्फोलॉजी की बेस पे हम इन वायरसेस को कितने जो है वो क्लास कितने हिस्सों में या कितने क्लासेस में या कितने टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं उसमें हमारे पास थ्री टाइप्स हैं वायरसेस की ऑन द बेस ऑफ मार्फोलॉजी फर्स्ट वन रॉड शेप टोबैकोजिकल हम कह सकते हैं सेकेंड वन टेड पोल लाइक बैक्टेरियो फेज जो कि टेड पोल की तरह होते हैं और ये बैक्टेरियो फेज और थर्ड वन हमारे पास है जी स्फेरिकल पोलियो स्फेरिकल शेप का पोलियो वायरस ये मार्फोलोजी की बेस पे हम इनको कितने Uh, कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं थ्री टाइप्स में रॉड शेप टोबैको मोजैक वायरस मतलब ये नहीं है कि ये टोबैको मोजैक वायरस बेसिक जो तीन टाइप्स हैं वो रॉड शेप हो सकते हैं टैडपोल लाइक हो सकते हैं एंड स्पेरिकल हो सकते हैं ये तीन हो सकते हैं नीचे उसने एग्जाम्पल कोड की है कि रॉड शेप किस किस्म के होते हैं टोबैको मोजैक टेडपोल वाले किस किस्म के कौन से होते हैं बैक्टेरियोफेड एंड स्पेरिकल कौन से हो सकते हैं पोलियो वायरस एक एग्जाम्पल है जो कि पोलियो काज करता है छोटी उम्र के बच्चों में ऑन द बेस ऑफ होस्ट अगर होस्ट की बेस पे बात करें वायरसेज को तो उसमें भी हम तीन उसको टाइप्स में डिवाइड करते हैं जो जिनका होस्ट बैक्टीरिया होता है उनको बैक्टेरियो कहते हैं जो प्लांट होस्ट को यूज करते हैं उनको प्लांट वायरसेज और जो एनिमल को एज अ होस्ट यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं एनिमल वायरसेज और इन तीनों के अंदर ये क्या कर काज करेंगे डिजीजेस काज करेंगे क्योंकि इन्फेक्शियस होते हैं ये पार्टिकल इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इनकी एक नेचर है ऑन दी बेस ऑफ जीनोम अगर हम उन वायरसेस के अंदर पाया जाने वाला जो जीनोम है उसकी बेस पे डिवाइड करें तो वायरसेस को तो हम उसको मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं बेसिक टू टाइप्स होंगी डी एन ए टाइप वायरसेज एंड आर एन ए टाइप वायरसेज अब डी एन ए के अंदर कुछ डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं और कुछ जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए डबल स्टैंडर्ड डी एन ए और इसके अलावा सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड स्टैंड पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए नेगेटिव एंड डबल स्टैंडर्ड आर एन ए तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम अब है इसमें एक, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो वायरल जीनोम जिनका सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आर एन ए होते हैं जो ऐसे वायरसेस जिनका जीनोम आर एन ए है और आर एन ए भी किस किस्म का है सिंगल स्टैंडर्ड एंड पॉजिटिव है तो वो क्या करेंगे वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो होस्ट कि राइबोसोम्स को यूज करके अपने आप को ट्रांसलेट कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं वायरल प्रोटीन प्रोटीन क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेशन 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 करनी है RNA है है ने आगे करके बनानी है, लेकिन में क्या चीजें यूज होती हैं राइबोसोम्स तो राइबोसोम्स इनके अपने नहीं होंगे वो किसके यूज करेंगे होस्ट के तो वो होस्ट के राइबोसोम्स को यूज करके क्या बना सकते हैं जी वायरल प्रोटीन लेकिन जो आ, क्या कहते हैं जी अः uh... वायरल जो जीनोम जिसको हम कहते हैं कि जो नेगेटिव स्टैंडर्ड वाले होते हैं जो नेगेटिव स्टैंड वाले सिंगल स्टैंड नेगेटिव आर एन ए उनके अंदर एक क्या होगा जी एक होगा जो आर एन ए पोलिमरेज वो उनकी नेगेटिव कापीज के जो स्टैंड है उनको क्या करेगा पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करेगा वो नेगेटिव पहले किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं पॉजिटिव के अंदर देन वो पॉजिटिव होने के बाद वो होस्ट के मशीनरी so, को यूज करके होस्ट के अंदर से रायोसोम्स को यूज करके वो क्या कर सकते हैं वायरल प्रोटीन बना सकते हैं इन शॉर्ट आपने इतना याद रखना है कुछ पॉजिटिव सिंगल स्टैंड वाले आर एन है वो डायरेक्ट होस्ट की मशीनरी को यूज करके वायरल प्रोटीन बना सकते हैं वे ट्रांसलेशन लेकिन जो नेगेटिव सिंगल स्टैंड वाले आर एन ए रखने वाले वायरसेज हैं वो डायरेक्ट जो है वो वायरल प्रोटीन नहीं बना सकते फर्स्ट वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं पॉजिटिव सिंगल स्टैंड वाले आर एन ए एंड इसके लिए एक इंजाइम यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं है, है. कुछ डिजीजेस उनको डिस्कस करना है फर्स्ट अगर हम बात करें रेट्रो वायरसेस रेट्रो वायरस ये आर एन ए टूमर वायरसेज है जो कि एसोसिएटेड है ट्यूमर प्रोडक्शन से ये ट्यूमर काज करते हैं किन के अंदर फाउल हो गया रेडेंट्स एंड कैट्स ये मोस्ट फेमिलियर अगर हम बात करें इम्यूनो इम्यूनोडी वायरस कहते हैं रेट्रोवास किस, किस है? तो एच आई वी इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ह्यूमन के अंदर पाया जाने वाला ह्यूमन के अंदर हम कैट्स हम रेडेंट्स या फॉल की बात नहीं कर रहे हम ह्यूमन के अंदर जो रेट्रो वायरस है उसकी कॉमन एग्जाम्पल क्या होगी एच आई शेप होते हैं हंड्रेड नैनोमीटर एंड डायमीटर ये वो इंफॉर्मेशन है जो याद रखने वाली है कि रेट्रो वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है स्पेरिकल साइज हंड्रेड नैनोमीटर एंड डायमीटर और ये अनवेलप्ड होते हैं ये नॉन एनवेलप्ड ये अनवेलप्ड होते हैं और ये अनवेलप के लिए किसकी यूज करते हैं जी सेल मेम्ब्रेन होस्ट सेल मेम्ब्रेन यूज करते हैं कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और आर एन ए वायरसेज हैं ये इनके अंदर आर एन ए होता है और वो भी आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड एक स्टैंड पर मुश्तमिल तो कुछ रेट्रो वायरसेस नॉन स्पेसिफिक होते हैं वो किसी भी सेल के साथ अटैच होके किसी भी सेल के अंदर एंटर होके क्या काज करेंगे डिजीज काज करेंगे एनी सेल लेकिन बहुत से जो रेट्रो वायरसेस हैं वो क्या होते हैं जी होस्ट स्पेसिफिक वो स्पेसिफिक होते हैं सेल्स के लिहाज से रिसेप्टर के लिहाज से मोस्ट इंस्पेक्ट सी डी फोर सी डी फोर मीन क्लस्टर डिफ्रेंशिएटर टाइप वन टू थ्री फोर हंड्रेड प्लस हो सकती हैं तो ये क्लस्टर डिफ्रेंशिएटर टाइप फोर के किस्म के रिसेप्टर होंगे जो कि हमारे हेल्पर टी साइट्स जो टी लैम्फोसाइट्स हैं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस किस्म के रिसेप्टर लगे होंगे जहाँ पे ये सी डी फोर रिसेप्टर होंगे वहां पे जाके ये क्या होगा जी ये एच आई वी ये, ये रेट्रोवास वो क्या होंगे अटैच होंगे तो रेट्रोवाज में अगर हम देखें इसमें ये आ, सबसे इनर जो इसका क्या कहते हैं जी जीनोम है वो किस किस्म का है जी आर एन ए जिनोम इस पॉइंट को आपने याद रखना है और आर एन ए के साथ साथ फिर ऊपर इसके ये को, जो कोट बना हुआ है ये कौन सा है जी प्रोटीन कोट जिसको क्या कहते हैं कैप्सिड कहते हैं और आउटर क्या है जी इसका इनवेलप है जो कि होस्ट की सेल में है और इस इनवेलप के अंदर क्या लगे होते हैं जी इनवेल स्पाइक ये ऊपर स्पाइक लगे हुए हैं ये स्पाइक ही जाके क्या करते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं रिसेप्टर साइट को ये रिसेप्टर साइट बाइंड करते हैं अपने आप को उस वायरस को वो स्पाइक होते हैं अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अंदर देखनी है ये आर एन एनो है इसके साथ आपको ब्लू डॉट्स नजर आ रहे होंगे ये ब्लू डॉट्स के हैं जी ये इन्जाइम्स हैं ये प्रोटीन है जो कि जो कि उसके जिनोब में पाई जाती है फंक्शनल प्रोटीन और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम है जो कि रिवर्स करवाता है ट्रांसक्रिप्शन को तो यहाँ पे आ, कुछ क्वेश्चन है जी उनको देखते हैं इस क्वेश्चन का आपने नीचे आ, नीचे आंसर करना है जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज टू मेक डीएनए कॉपीज ऑफ ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है डी से आर का बनना ये ट्रांसक्रिप्शन है लेकिन आर से उलट वापस डीएनए का बनना ये क्या होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो क्या करता है किस को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करता है इसका एग्जैक्ट आंसर जी 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 मोस्टली स्टूडेंट जी ये वायरल डीएनए ही वायरल आर ही है हंड्रेड परसेंट श्योर वायरल आर एन जो वायरल आर होता है रेट्रो वायरस का आर

Uh, इसका एग्जैक्ट आंसर जी टी हेल्पर लेट्स क्या होते है? उलट काम करते हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एक स्टैंड पर मुश्तम आरएनए उसको किस में कन्वर्ट करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए देखें जी हमारे पास ये एक डीएनए है डबल स्टैंडर्ड वो डबल स्टैंडर्ड डी क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन इन नॉर्मल कंडीशन वो क्या बनाता है आरएनए आरएनए आगे क्या करेगा वो जो है वो ट्रांसलेशन करेगा वो आरएनए क्या बनाएगा प्रोटीन प्रोटीन में एक एंजाइम बनाएगा वो एंजाइम उसका नाम क्या होगा जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसी आरएनए के साथ मिलके क्या करता है जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है उस आरएनए की और वो आरएनए अगेन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो सिंपल सी बात जर आर आरएनए से डी का बनना वो क्या है जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ये डी अगेन किसके अंदर एडजस्ट हो जाता है जो कि रेट्रोस के, रेट्रो के तौर पे स्पॉन्स कहते हैं कॉपी पेस्ट जो अपने आप को मुख्तलिफ जेनेटिक कॉपी बनाने के लिए अपने आप को जो यूज करें या जो डीएनए ऐसा डीएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं रेट्रोस ट्रांस स्पोन डी सिंड्रोम एड्स एक डिजीज है डिजीज, जो कि और इसके अलावा इसका जो काजिंग uh, एजेंट वो नाइनटीन एटी फोर के अंदर उसको आइडेंटिफाई किया गया लेकिन उसको कहाँ पे पास्टर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड यू एस ए के अंदर कुछ लेबॉरटरीज थी और इसको नेम एच आई वी कब दिया गया नाइनटीन एटी सिक्स अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें कि कौन कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं जनरल स्वेयर नमोनिया हो सकता है वेस्कुलर कैंसर सडन वेट लॉस अचानक वेट कम हो जाता है लम्फ नोड्स एंड लिम्फ नोड्स एंड अम्यून डेफिशेंसी क्योंकि इसकी कुछ जनरल सिम्टम्स हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ये किस किस किन किस तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकता है एक वन पर्सन टू तो सेकेंड पर्सन बाई इंटीमेट सेक्सुअल कंटेक्ट

सेकेंड कंटेक्ट विद ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स ब्लड के साथ या ब्लड प्रोडक्ट्स जब एक दूसरे से कंटेक्ट करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग है पिक ऑफ एन इनफेक्टेड नीडल्स जो ऐसी जो पहले यूज हो चुकी हो उसको अगेन यूज करना ये एच आई वील्सो इनफेक्ट सेल्स ऑफ सी एन एस ये जो एच आई वी है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं और इसके अगर प्रिवेंशन की बात करें कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं अवॉइड सेक्सुअल कंटेक्ट एंड ब्रेस्ट फीडिंग इनसे हमें इज करना चाहिए स्क्रीन द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स बिफोर ट्रांसफ्यून तो ब्लड प्रोडक्ट्स से जो है उनको तो थोड़ा, तो थोड़ा, तो थोड़ा, तो थोड़ा, तो थोड़ा मतलब एहतियाती से हैंडल करना चाहिए उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए उनको जो है वो क्या करना चाहिए क्लैरिफाई तो आ, इसके बाद अगर हम बात करें इन्फेक्शियस लाइफ साइकिल ऑफ एच ये जो एच है ये कैसे काज करता है एड्स ये इंपॉर्टेंट साइकिल है इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखने को मिलेंगे ये हमारे पास एक एच है एच जो है वो एक रिसेप्टर डिपेंडेंट है ये ह्यूमन इम्यूनो ये क्या करेगा जो हमारे टी helper, टी हेल्पर हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगे होते हैं क्या होगा जी अटैच अब इसमें ऊपर वाला इन्वेलप था इनवेलप इनवेलप द सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट तो वो इनवेलप जो है वो पार्ट बन जाता है इस वाइट ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन का और इसका जो इनर कोर है जिसमें कैप्सिड एंड जीनोम, वो एंटर हो जाते हैं किसके अंदर सेल के अंदर अब जैसे सेल के अंदर एंटर होंगे उसमें जो इसका कैप्सिड है, प्रोटीन कोट वो क्या हो जाता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये जो एच के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आर एन है वो किधर आ जाते हैं जी? उस हेल्परटी सेल के अंदर और वो वायरसेस आरएनए क्या करते हैं जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वो पहले मतलब एक क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा उससे क्या बनाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए इस दौरान एक दफा क्या होती है जी रेप्लिकेशन भी होती है एक दफा रेप्लिकेशन भी होती है क्योंकि सिंगल स्टैंड आगे एक सिंगल स्टैंड क्रिएट करता है वो डीएनए का होता है उसका एंटी एंटी स्टैंड होता है वो एंटी स्टैंड पहले वाले आरएनए को क्या कर देगा डिस और अगेन रेप्लीकेशन करके दोनों के दोनों स्टैंड किसके बन जाएंगे डीएनए के अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसके अंदर एंट्री लेगा उस व्हाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस के अंदर वहां जाके उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसका क्या बन जाएगा पार्ट बन जाएगा और इसको हम परोवायरस कहते हैं जो कि आगे डिजीज काज कर सकता है अब ये जो उसका क्रोमोसोमल वायरस है जिसके अंदर वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी क्या कर चुका है उसका पार्ट बन चुका है यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगी अगर वो एच एक्टिव हो जाता है वो ट्रांसक्रिप्शन से अगेन क्या बनेगा मैसेंजर आ मैसेंजर नजर आ उस न्यूक्लियस से बाहर जाके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बनाएगा उसकी ट्रांसलेशन होगी और ट्रांसलेशन से वो प्रोटीन बनाएगा वो कौन सी प्रोटीन होगी वायरल प्रोटीन होगी क्योंकि उसके क्रोमोसोम के अंदर वायरल जीनोम एंटर हो चुका था और वो वायरल जीनोम कैसे एंटर हुआ था रिवर्स के थ्रू और उसी क्रोमल से क्या हुई है? एक मैसेंजर आरएनए बना है और वो आर आगे जो प्रोटीन बनाएगा वो वायरल प्रोटीन होगी वो अगेन दोबारा किसके अंदर चली जाती है जी वो रिकंस्ट्रक्शन होती है और वो वाली जो एच है वो अपने आप को क्या करना शुरू कर देता है रिप्रोड्यूस उसकी कॉपीज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं इस तरीके से एक पूरा एच साइकिल क्या करता है कंप्लीट करता है अगर हम बात करें कि अ कंप्लीट इन्फेक्शियस लाइफ साइकिल ऑफ में इन्वॉल्व इसमें कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं फर्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है जी होती है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आर एन में कन्वर्ट होता है डबल स्टैंडर्ड डी एन रेप्लीकेशन ये भी होती है क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड जो आर है वो एक स्टैंड बनाता है डीएनए का अगेन से डबल स्टैंड बनते हैं देन ट्रांसक्रिप्शन होती है ट्रांसक्रिप्शन कब होती है जब वो एच एक्टिव हो जाता है क्रोमोसोमल ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाता है आर वो आर एन की आगे क्या होती है ट्रांसलेशन तब जाके क्या बनती है वायरल प्रोटीन एंड ऑल ऑफ दीज स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कंप्लीट इन्फेक्शियस लाइफ साइकिल ऑफ एच नेक्स्ट आपकी बुक के थ्रू भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि ये फर्स्ट उसकी एंट्री होती है एंट्री के बाद उसके अंदर जो एंटर होने के बाद उसका जो जीनोम है वो अलग हो जाता है वायरल डीएनए वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाता है डीएनए एक स्टैंड डीएनए के बनता है डीएनए का एक स्टैंड अगेन क्या करता है यहां पे देखें डबल स्टैंड बने हुए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए किधर एंट्री लेगा क्रोमोसोमल न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेके उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए उसका पार्ट बन जाएगा फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी आरएनए बनेगा वो आरएनए आगे जाके क्या बनाएगा बाहर जाके ट्रांसलेशन के राइबोसोम्स उसके यूज करेगा टी के और क्या बनाएगा प्रोटीन और वो प्रोटीन कौन सी होगी वायरल प्रोटीन होगी वायरल डिजीजेस जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं उसमें स्मॉल पॉक्स अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो कैटल्स हैं फुट एंड माउथ डिजीजे इन वर्टिब्रेट्स के अंदर हो सकती हैं टिप्योला जैसी या प्लांट्स के अंदर हैं उसके अलावा डैमेज पोटैटो है उस फंजाई के अंदर मशरूम वायरस एक्सफोर है और इस तरीके से बैक्टीरिया कोलाई सेल्स विद फेज टी फोर क्योंकि बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियो फेज है वायरस उसकी डिफरेंट टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर तक उसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं हम इनका ओवरव्यू लेते हैं जो डिजीजेज हैं वायरल डिजीजे उसमें हमारे पास सबसे पहले डिजीज है कि ये वायरल डिजीज काज एजेंट ये तो हमें पता ही है कि इसका काजटिव एजेंट वायरस ही होगा लेकिन हमने ये देखना है कि ये वायरस किस किस्म का है वो डीएनए नेचर का है आरएनए का है डीएनए के साथ वो एनवेलप्ड है या नॉन uh, एनवेलप्ड है एंड इसके साइंस एंड एंड सिम्टम्स क्योर फर्स्ट बात करें अगर स्मॉल पॉक्स की तो ये इसका एजेंट इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है कि ये कौन कौन से इनका कॉजटिव एजेंट क्या है ये मेन पॉइंट होता है ये मेन ऑब्जेक्टिव बन सकता है स्मॉल पॉक्स का डी एन ए अनवेलप्ड इसमें होता क्या है कि पिंक क्रैशेज बन जाते हैं जो कि सोर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर द एंड फिर क्रस्टी हो जाते हैं इन एट टू नाइन डेज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फैटी तो थकावट होती है वोमिटिंग एंड हाई मेन इसकी जो है पिंक इसका क्योर वैक्सीनेशन के वो हो सकता है सपोर्टिव केयर हो सकती है मीजल्स एंड मम्स ये डिजीजे है दो मीजल्स जो है वो इनवेल आर एन ए वायरसेस जिसको हम पैरामोक्सिस वायरसेस कहते हैं इसकी फेवर कफ एंड जनरल बॉडी वीकनेस इसका केयर क्या है जी क्योर बेड रेस्ट ऑटो इम्यूनिटी वैक्सीनेशन पलेंटी या फ्लूविड विटामिन ए सप्लीमेंट्स मम्प भी इनवेलप्ड आर एन ए वायरसेस की वजह से फेवर हैडिक मसल एच एक वीकनेस स्वेलिंग ऑफ स्लैरी ग्लैंड ये मेन इसकी सिम्टम है बेड रेस्ट पेन किलर उसकी सेम ही है पोलियो की बात करें जो कि चिल्ड्रन में होती है इनवेलप्ड आर एन ए वायरस है पैरालसिस होती है की एंड नेक पेन और स्टिफनेस इसको भी वैक्सीनेशन के थ्रू तो बच्चों को क्या की जाती है जी पोलियो की वैक्सीन दी जाती है नेक्स्ट है mouth, lips, nose, इसका जी में इनवायरस एक्टोडर्मल टिश्यू स्पेशली माउथ लिप्स नोज एंड एंटी वायरल ड्रग्स और उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट हैपाटाइटिस हैं जिसकी डिफरेंट ए जिसको इन्फेक्शन ए कहते हैं वो नॉन इनवास की वजह से होता है उसका एक्यूट इन्फेक्शन फीवर न्यूजिया वोमटिंग एंड जानस

अपडामनल पेन क्रॉनिक नो सिमटम लीवर लीवर कैंसर ये सिमिलर है तक इनको आपने इसके आप स्क्रीन शॉट ले लें इनको बाद में याद रखने के लिए वैक्सीन नॉट अवेलेबल सी के लिए अभी तक कोई किसी किस्म की वैक्सीन अवेलेबल नहीं हैपेटाइटिस डी को डेल्टा वायरस कहते हैं इनवेल्प आर एन ए वायरस है जिसकेट डॉक यूरन एंड इसकी क्योर में गहरी इंटरफेरॉन एक एंटी वायरल जो एक किस्म की प्रोटीन है ये किसकी क्योर में यूज होती है हेपाटाइटिस डी हेपाटाइटिस ई की बात करें तो नॉन एनवेलप आरएनए वायरसेस की इसका पॉजिटिव एजेंट है इसकी भी सिम्टम क्या है जॉन्डिस वॉमटिंग लॉस ऑफ एपेटाइट डार्क यूरिन तो मोस्टली जो हेपाटाइटिस की सिम्टम्स थी साइन एंड सिम्टम्स वो सिमिलर थी और उसमें आपने मेजर इंपॉर्टेंट उसके क्या नाम थे जो उसको अदर नेम से हम कर सकते हैं

ये लास्ट में कुछ डिजीजेस हैं जो कि एक्स्ट्रा आपको रिव्यू करने के लिए दी गई हैं इनको भी आप रीड कर सकते हैं ये तमाम ऐसे डिजीजेस हैं जो किसकी वजह से होती हैं वायरल डिजीजेस कह सकते हैं इनके काज एजेंट भी क्या जी वायरसेज हैं जी तो होपफुली हमने इस लेक्चर को कम्प्लीट किया इसकी रीडिंग के लिए आपने आ, बुक बुक्स को यूज करना है जिसमें पीटीबी की आ, पार्ट वन वन का चैप्टर सिक्स आप उसमें वायरसेज वाले कंप्लीट पोर्शन को डिस्कस करेंगे और इसमें होपफुली आपको फेडरल की पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसको इंपॉर्टेंट से वो हमने उसको पे डिस्कस कर दिए हैं तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर नाइन होगा बायोलॉजी का आ, मंडे को सात से आठ बजे इसी टॉपिक के रिलेटेड क्या होगा क्विज होगा इसको आपने बच्चों अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है इसका क्विज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उसको आपने लॉजमी क्या करना है जी ज्वाइन करना है इसके अलावा अगर आपका कोई Uh, आपको किसी किस्म की अपडेट्स या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें टेक्स कर सकते हैं या आप हमें फेसबुक पे भी क्या सकते कर सकते हैं जी फॉलो कर सकते हैं स्टे कनेक्टेड स्टे ब्लेस्ड